नमस्कार छात्र मित्रों, सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडल संचलित श्रावणलाल मोदी प्राथमिक विद्यालय, यहाँ से मैं अध्यापिका श्रीमती टाले एपी आपके सामने कक्षा पाँचवीं का हिंदी विषय का पाठ क्रमांक 11 वीरों को प्रणाम सादर करने जा रही हूँ। छात्रों, आज यहाँ पर हम वीरों को प्रणाम इस कविता के बारे में जानकारी देखेंगे। इस कविता के माध्यम से सर्वप्रथम हम कविता का परिचय देखेंगे, उसके साथ साथ कविता का अर्थ भी यहाँ पर हम देखेंगे। छात्रों, हमारे कविता का नाम है वीरों को प्रणाम। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारा जो भारत देश है 150 सालों तक अंग्रेजों के कब्जे में था, और ये जो हमें आज़ादी मिली है, स्वतंत्रता मिली है, इसकी बहुत बड़ी कीमत बहुत सारे लोगों को चुकानी पड़ी है, और उन्हीं लोगों की वजह से आज यहाँ पर हम स्वतंत्र भारत के नागरिक से जाने जाते हैं। तो जिन लोगों ने यहाँ पर अपने प्राणों को त्याग दिया, बलिदान दिया अपने भारत देश को स्वतंत्रता मिलाने के लिए, आज़ाद करने के लिए, बहुत सारे सैकड़ों देशभक्तों ने अपने प्राण दिए हैं, और इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस कविता के माध्यम से उन शहीदों को तथा वीरों को हम यहाँ पर प्रणाम करना चाहते हैं। तो आइए हम कविता देखते हैं। देश की मिट्टी का कण कण है जिन्हें प्राण से प्यारा, प्रणाम ऐसे वीरों को 100-100 बार हमारा। यह ऐसी धरती है जहाँ पर गंगा जमुना बहती, देश पर मर मिटने की हरदम धुनसी रहती। वीरों के बलिदान से चमका हिंद वतन का तारा, नमस्कार ऐसे वीरों को 100-100 बार हमारा। तो देखिए, जो कवि है वो हम कहते हैं कि जो देश की मिट्टी है, उस मिट्टी का एक एक कण हमें हमारे प्राण से भी बहुत ज़्यादा अधिक प्रिय है। ऐसे वीरों को हम बार बार प्रणाम करते हैं, क्योंकि इस मिट्टी का जो एक एक कण आज़ाद है वो उन वीरों की वजह से है जिन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया और अपना बलिदान देश के लिए दे दिया। यह एक ऐसी धरती है जहाँ पर गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियाँ बहती है। यहाँ के जो लोग हैं वो देश पर मर मिटने के लिए हरदम तैयार रहते हैं, और ऐसे ही वीरों के बलिदान से ही दुनिया में हमारा भारत देश का जो तारा है वो चमका हुआ है। और इसी प्रकार से ऐसे वीरों को हम नतमस्तक होकर बार बार 100 बार यहाँ पर हम नमस्कार भी करें तब भी वो कम है। यह आज़ादी नहीं मिली है हमें किसी से भीख में, सीखा हम लोगों ने कुछ तो प्राणार्पण की सीख में। देश की मिट्टी का कण कण है जिन्हें प्राण से प्यारा, प्रणाम ऐसे वीरों को 100-100 बार हमारा। यह जो हमें आज़ादी मिली है, आज जो हम आज़ाद देश के नागरिक कहते हुए देश में घूमते हैं, आज़ादी से रहते हैं, ये आज़ादी हमें आसानी से नहीं मिली है, ना कि भीख में मिली है। हमने जो कुछ सीखा है वो अपने प्राणों का बलिदान करके सीखा है। जिन्हें देश की मिट्टी का प्रत्येक कण अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय होता है, प्यारा होता है, ऐसे वीरों को हम बार बार यहाँ पर प्रणाम करते हैं, उन्हें नमन करते हैं। जो आज़ादी उन्होंने हमें दी है, जिस आज़ादी की वजह से हम आज खुले नागरिक घूम रहे हैं, उन्हीं के लिए हम यहाँ पर नतमस्तक होना चाहते हैं। और उन्होंने जो भी हमारे भारत देश के सुरक्षा के लिए अपने प्राणों को त्याग दिया है, उनके बलिदान को हम ध्यान में रखते हैं। और जैसे कि आप सब जानते हैं, जो 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ था, तो उसी के कारण हम 15 अगस्त को पूरे देश भर में बड़े धूमधाम के साथ राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में मनाते हैं और रैलियाँ निकालते हैं, और उनके सम्मान में हम अलग अलग प्रकार के भाषण भी देते हैं। तो ये सब क्यों करते हैं कि उन्होंने जो हमारे ऊपर उपकार किए हैं, हमारे भारत देश के लिए, हमारे मिट्टी के लिए जो उन्होंने जो भी काम किया है, उसका एक छोटा सा कर्ज उतारने की कोशिश हम इन राष्ट्रीय त्योहारों के माध्यम से करते हैं। बहुत सारे कई लोग थे, उनके भी परिवार थे, उनके भी बाल बच्चे थे, लेकिन उनके बारे में सिर्फ उन्होंने न सोचते हुए पूरे भारत देश के बारे में सोचा, और
अपनी जो प्राण है वो हंसते हंसते अपने भारत देश पर लुटा दिए। आज भी कई बार हम देखते हैं कि जो हमारे भारत देश की सीमाएं हैं उन सीमाओं पर न डरते हुए निडर होकर हमारे जो सिपाही है, हमारे जो सेनानी है, वो सब आज भी चाहे ठंड का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो, धूप हो, बारिश हो, हर एक मौसम में वो अपना सीना तान कर वहाँ पर हमारे देश की रक्षा करने के लिए खड़े हैं, तैनात है वहाँ पर। आज भी हम देखते हैं कि कई देश जो है हमारे देश के ऊपर हमला करते रहते हैं, कितने लोगों के कितने सैनिक वहाँ पर घायल हो जाते हैं, कितने लोग वहाँ पर मृत्युमुखी पड़ जाते हैं, लेकिन न हारते हुए न डरते हुए सीना तान कर वह लोग हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। तो हमें भी इसके बारे में जानकारी रखते हुए हमें हमेशा उनके बारे में सोचना चाहिए और उन्हें वहाँ पर मदद करनी चाहिए। इस प्रकार से आज हमने वीरों को प्रणाम इस कविता के बारे में जानकारी दी है। इसके बाद हमारे अगले तासिका में हमारा पाठ क्रमांक 12 सबूत इसके बारे में जानकारी देखेंगे। थैंक यू।